ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਅਗਾ ਚਾਰੀ ਮੋਸਨ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓ ਸਲੀਮ ਸਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਸਲੀਮ ਸਾਫੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੂ ਮੈਂ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਓ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਸਟਾਇਰ ਅਚਾਰੀ ਮੋਸਨ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਅੱਬੂ ਓ ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਓ ਯੈਸ ਕਿਤਨੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ और सलीम खान के ख्याल जानी तुम भी क्या दूसरी शादी किसी रकासा से करने लगे हो सिर्फ रकासा नहीं है वो लेजेंड है हेलन जी रकासा से शादी तो चौधरी साहब करेंगे यस अरे भाई ये क्यों करेंगे रकासा से दूसरी शादी हा? इन्होंने तो पहली शादी ही रकासा से कर ली अरे तुमने हमें कभी घर नहीं बुलाया ओ डब खड़बे लगड़ बग्गो और इंटेलेक्ट से तुम्हारा उतना ही तल्लक है जितना इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जमहूरियत से है वाह वाह जोर जोर तो मुझसे बात करें ना मुझसे करें ना अम खचारी मोहसिन हां जी यकीन करो मैं इतना खुश हुआ हूं चौधरी सलीम खान का इंटरव्यू सुन के जिसमें वो कह रहा था कि उनका बेटा सल्लू भी और आज के राइटर डायरेक्टर किताबें नहीं पढ़ते हॉलीवुड के सीक्वेंस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप ज्यादती कर रहे हैं चौधरी पार्टी पकाने अभी मैंने कल ही किताब शुरू की है 30 दिन में डायरेक्टर बनी है और वो भी घर बैठे ना करे 30 दिन में डायरेक्टर अरे वाह अरे शुक्र करो इसने वो किताब नहीं पढ़ी कौन सी 30 दिन में डॉक्टर बनिए वो भी घर बैठे 30 दिन में डॉक्टर बनिए और 30 दिन में नौजायदा बच्चा लीजिए देखिए खुशी इस बात की नहीं है कि 30 दिन में डॉक्टर बनने वाली किताब इसके हाथ नहीं लगी अबे मगर किसी के हाथ तो लगी होगी ना चरी मास हाँ जी लेट्स मूव टू फॉरवर्ड ओके चेती चेती मेहमान नु बुला ताकि तारीख अमर हो जाए रकम हो जाए अरे तारीख रकम होनी है क्यों चौधरी आज तुम्हारा यहाँ मुंडन है इसकी मुंडन नहीं होती डायरेक्ट टिंडन होती है और छितन होता है और ये चौधरी का बड़ा मुंडन है और चौधरी मोहसिन इन सतई जुगता करने वाले तो लैड चुक के ते गैस सेट ते पा ताकि मैं उन्हें ना MOU साइन करा बात चौधरी साहब पूरी कायनात में MOU साइन होता है और आपका MOU जिंदगी की राह में गेस्ट आ गया कोई तो खवातीनो हजरात आज का पब्लिक डिमांड द लेजेंड ऑफ पब्लिक डिमांड होने जा रहा है क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो सिर्फ एक शख्सियत नहीं है एक पैकेज हैं राइटर डायरेक्टर एक्टर होस्ट सब कुछ बहुत बढ़िया करते हैं एक फील्ड के बाबर आजम हैं तो दूसरी फील्ड के विराट कोहली हैं तशरीफ लाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन आप सबकी तालियों में वासे चौधरी साहब एवरीवन वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को भी आपने बहुत ज़्यादा हैवी इंट्रोडक्शन कराया एज ऑलवेज और लफ्ज़ों के मामले में आप बहुत फरागत और बड़ा दिल रखते हैं आपने दोनों का ही इजहार किया इस वक्त कि आपने बहुत आराम से बैठ के सोचे कि कौन कौन से लफ्ज़ फेंकूंगा मैं यू डिजर्व नो अभी भी यकीन करें वक्त की किल्लत थी अभी भी वरना लंबा हो सकता था इंट्रोडक्शन वो वेलकम टू पब्लिक डिमांड वासे भाई थैंक यू पब्लिक डिमांड में आज आपका कॉमेडी रिमांड होगा अच्छा अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे या फिर बैरिस्टर इफ्तिखार ठाकुर साहब को हायर कर ले जो खुद मुल्ज़िम नहीं नहीं मैं खुद ही करूंगा जो करूंगा वासे भाई महंगे तरीन राइटर हैं आप अच्छा आपके लिए भी खबर है मैं बड़ा खुश हूँ आपने कहा माशाल्लाह फिल्में लिखते हैं एक्टिंग आप करते हैं होस्टिंग आप करते हैं ये सब कुछ करके बिजली का बिल दे पा रहे हैं या मीटर रीडर का नाम कैसर पिया है नहीं कैसर पिया नहीं है लेकिन बाकी बिजली का बिल जो है देना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है और मजीद होता जा रहा है ये जो आगे गर्मी आने वाली है इसमें लगता है बहुत गर्मी लगनी है इतना मुश्किल हो गया एक दफा तो वासे भाई ने मीटर बेच के बिजली का बिल दिया ले बहुत अच्छे लोअर मिडिल क्लास के नुमाइंदा हो सकते ओके वासे चौधरी और चौधरी बुलंद बख्त संजीव बाबा और रणबीर कपूर से काम नहीं है और हम तो जहां जलवा दिखा दें फंड इकट्ठा किए बगैर ही टैम बन जाते
डैमफुल बल्कि धरती के बोझ बल्कि नीली बार के भैंसों के क्रश वासे चौधरी एक शह दिमाग है और तुम कुन जैनों के मुगल आजम हो। वाह 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 वाह। और 100 देगों की खुरचन एपिटाइजर के तौर पर खाने वाले साईं दो। मुश्किल ही मुक्की। आपने क्या 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 मैंने जुगनू की किताब लिखी है। बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन आपकी, बड़ी कमाल से एक तबासा था। जी जी। वासे चौधरी ने सुपर हिट फिल्में लिखी हैं और तुमने तो कभी बीमार माँ को खत नहीं लिखा। हाय हाय। बीमार माँ को खत लिखता तो एंटी क्लाइमेक्स से ऐसे सस्पेंस खत्म हो जाता जैसे सियासी मंजर से मियां नवाज शरीफ। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वासे भाई, बड़े जरीफ साहब ने कहा था कि रन्ना वालियां दे पकड़ परौठे ते छड़ियां दी अग ना बले, है ना। तो गैस जैसे नापैद होती चली जा रही है, आपको नहीं लगता कि हम सब एक छड़ा दौर गुजार रहे हैं? हाँ नहीं बिल्कुल, और मुझे लगता है आगे जाके और होनी है भी ये है? तो हमें अपनी आदतें खुद ही चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि? जैसा कि कम खाएं, ओके, कम चाय पिए। ये जो चाय इतनी इम्पोर्ट कर करके हमने अपना सत्यानाश कर लिया है, तो इससे बचने के लिए मेरे ख्याल से ये गैस वालों का एक हर्ब है कि वैसे तो नहीं रुकेंगे, इनको गैस ही ना दो चाहे चाय ना पी सके। ना होए ना पकान ना कान। बिल्कुल। आखिरी बार आपने गैस के चूल्हे पे बना हुआ परौंठा कब खाया? गैस का चूल्हा हो या ना हो, मुझे परौंठा खाए बहुत देर हो चुकी है। इसलिए स्ट्रिक्ट डाइट, क्योंकि हर बंदा जो है वो आपकी तरह नहीं होता मोहसिन साहब, के 6-7 साल बाद भी वो वैसा ही लगता हो जैसा 6-7 साल पहले लगता था। तो बहुत से लोगों को ये चीजें छोड़नी पड़ती हैं। हर स्मार्ट नहीं होता परौंठे खाने वाला। सर, राज कपूर से लेकर नजरुल इस्लाम और मणि रत्नम से लेकर जेम्स कैमरॉन तक सब ने अपनी फिल्मों में पानी को एक कैरेक्टर की तरह पेश किया सर, जबकि हकीकत में पानी के जखायर जो है सर वो खजाने में पड़े डॉलरों की तरह कम होते चले जा रहे हैं। पानी की कमी से कैसे नबर्दाजमा है आप? नहीं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और मेरे ख्याल से जनरली ग्लोबल वार्मिंग पे जितना दुनिया में काम हो रहा है, हमारे यहाँ पे उसके बारे में नहीं बोला जाता, जबकि हम टॉप 5 आई थिंक जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसकी वर्स्ट हिट्स कंट्रीज में से एक हैं आने वाले वक्तों में। तो मगर बात यह ना कि जब हमारे पिछले मसले ही नहीं, जो बेसिक्स हैं वही नहीं खत्म हो रहे, हम इस तरफ कहाँ से आएंगे? ए गौचू, वासे चौधरी को पानी की किल्लत से मत डराओ। क्यों? हम अपनी मौज में बहती गंगा का मुंह वासे चौधरी के बैंगलोर की तरफ मोड़ देंगे। हाय हाय हाय। बैंगलोर? Bangalore, you have a Bangalore? मुझे नहीं पता था। I didn't know that. ये इंकशाफात आज हो रहे हैं मेरे को। और खुशकिसाली के शिकार लेजेंड कुमार, और सेम थोर के ब्रांड एम्बेसडर, और पांच दरियाओं की धरती के सुपुत्र वासे चौधरी को उस दरिया से एक्सटेंशन दे रहे हो, जिसके बारे में आज हानी शो मैन ने कहा, राम तेरी गंगा मैली हो गई पार्टियों के दाग धोते धोते। चौधरी साहब, पार्टियों नहीं पापियों के दाग। अरे पापी जब इकट्ठे हो जाएं उसे पार्टी कहते हैं। पॉलिटिकल सटायर। वैसे भाई आपके लिए कुछ लिखना ऐसा ही है कि जैसे अमरीकी हुक्काम को मेमो लिखना, लेकिन फिर भी मैंने दम पुख्त पर कुछ माहिये लिखे हैं, मुलाहिजा कीजिए। जी जी। ओ कोई बरादरी माया हर फन मौलाए है वासे चौधरी माया है वासे चौधरी माया भाई कोई कोट च रिट होई पशो एदा टाप उते है हर फिल्म भी हिट हो सुन के भाई कोई बादशाह बादशाह होना पब्लिक डिमांड भी अज है वो आ
बादशाह होना है, तो बादशाह साजिश आपकी, आपने बड़ा जबरदस्त गाया और मैं शुक्र करता हूँ कि आपने वो वाली फिल्म नहीं देखी हुई थी जो हिट नहीं हुई थी, वरना आपका सारा काफिया जो था वो बेवजन हो जाना था। मैं चुप रहा इसलिए। देखिए वासु भाई, हम सब की जिंदगियों में एक एक फिल्म ऐसी होती है। नहीं नहीं, मगर दैट बिसाइड्स द पॉइंट, आपका ये जो एक सेगमेंट है जिसमें आप गा के ये जो भी गेस्ट आता है उसके लिए बात करते हैं और उनका जो एक टोटल बॉडी ऑफ वर्क है उसको कवर करते हैं, वो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त है। और वो क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं इसलिए ये हो सकता था, वरना मेरे जैसे किसी होस्ट के साथ तो इंसान ये कोशिश नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक अच्छी आवाज़ चाहिए होती है और एक बंदा जिसको सुर ताल की बकायदा आइडिया हो वो कर सकता है। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि लोग मुझे डीजे और आपको होस्ट समझने लगे, आए बैठते हैं वासे भाई, सियासी वाबस्तगी बदलें तो लोग जुलूस लेके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, मजाक रात को गप शप का नाम देना और चैनल बदलना, इस मूव को आप क्या कहेंगे, तब्दीली या फिर गद्दारी? यार मेरे ख्याल से मूव ऑन कर जाता है इंसान सिर्फ, और नाम तो मैं साथ ही रख सकता था ना, ऑफकोर्स नाम तो गपशप ही करना था मुझे, मगर आई थिंक आप मूव ऑन कर जाते हैं, दैट्स इट। मतलब 8 साल किया सो उसके बाद बस हमने कहा चढ़े थोड़ी सी तब्दीली कर लेते हैं। वासे चौधरी साहब जी, कमाल अमरोही ने हमारे फनकाराना सलाहियत और हमारी मर्दाना वजाहत का सही इस्तेमाल नहीं किया। हम चाहते हैं कि आप पाकिजा आप दोबारा लिखे, पाकिजा की जवानी घर की ना घाट की। भाई लुमड़ी कुमार है भाई, अगर वासे चौधरी साहब मान जाए ना तो मैं फिल्म बनाऊंगा पाकिजा फार्म 47 वाली। आए बहुत से। अगर तो आपने मुझे डायरेक्टर लेना है हाँ, तो फिल्म का नाम होगा पाकीज़ा दो तिहाई वाली, खोए वाली, मिलाई वाली। आपको उनकी बात का मजा आ रहा है या उनकी छलांगों का? जवाब साफ कर बहुत से भाई, कॉमेडी किंग अमानुल्लाह खान साहब की जिंदगी का आखिरी स्पेल आपके साथ गुजरा, उनके मैच लेस पोटेंशियल के बारे में क्या कहेंगे? स्टैंड अप पंजाबी जुगतबाजी के अंदर इट ऑल स्टार्ट्स विद अमानुल्लाह बिकॉज एंड अ सर्टेन टाइप, उन्होंने जिस किस्म की स्टैंड अप में जुगतबाजी इंट्रोड्यूस कराई वो उससे पहले नहीं होती थी। तो आई थिंक उसके अंदर आप जितने देखते हैं, अब आपके पास जितने प्रोग्राम्स हैं उसमें मेजॉरिटी जो 80-90% कॉमेडियन है पंजाबी लैंग्वेज के, वो सारे उन्हीं के ऑफ शूट्स हैं और उन्हीं की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं या वहीं से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं। सो आई थिंक ये काफ़ी है कि एक इंसान के इम्पैक्ट के लिए। बिल्कुल सही घोंचू, वो कॉमेडियन के बाप भी थे बल्कि परदादा भी थे, अम्मी भी थे, चाचा भी थे, वो एक खानदान थे एक आदमी में। क्या बात है। आपके सुतेले नाना भी थे। असल में हम मुंबई रहते हैं ना तो डिस्टेंस इसलिए सौतेला हो गया। वैसे भाई फिल्म हो ड्रामा हो, अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक बुनियादी आंसर होता है उसका। आप एक तस्लीमशुदा राइटर हैं फिर भी एक मुद्दत से आपके सवालात में लाइफ जैकेट, लिफ्ट में फंसना, चांद पे जाना क्यों होता है, उन्हें अनप्रिडिक्टेबल क्यों नहीं रखा गया? अगर मैं आपके इस सवाल को इस तरह चेंज करूं कि आपको जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी लग रही है वो मेरा ट्रेडमार्क है। ओके तो ट्रेडमार्क नहीं, आप नहीं छोड़ सकते। आपके पास कितनी लाइफ जैकेट्स इकट्ठी हो गई? यार बहुत है अभी, अब तो लोग, अब तो खैर अभी आजकल तो मैं नहीं कर रहा, मैं जरा ब्रेक पे हूँ लाइफ जैकेट से, लेकिन अब तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पास अगर आपके पास हो तो क्या हो, मैं कहा यार चलो ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आपके पास लाइफ जैकेट हो जी ठीक है, आप किसको देंगे, इफ्तिखार ठाकुर साहब को या कैसर भैया साहब? इफ्तिखार ठाकुर को। कैसर भैया आप ही फूल के रूप में। Exactly, आपने बिल्कुल जवाब खुद ही दे दिया। Although वैसे in that case तो ठाकुर साहब भी फटी। तो मैं वैसे दोनों को ना दूं अपने पास रखूं ही ज़्यादा chances है। ठाकुर साहब के बतौर वो एक बहुत जबरदस्त स्विमर भी हैं, आपको पता ही है। okay. और पाकिस्तान के तमाम स्विमिंग पूल्स जो हैं उनमें वो स्विमिंग कर चुके हुए हैं, सबको गंदा कर चुके हैं। ठाकुर साहब या पिया दोनों को मेरे ख्याल से ना दूं तो बेहतर है। बस ठीक है, देखिए आपके पास लाइफ जैकेट होगी तो शो चलेगा। और मुझे स्विमिंग नहीं आती भाई, इसलिए मुझे दो की जरूरत है। द लेजेंड ऑफ बौला जट बिलाल अशारी साहब ने आपके साथ लिखना शुरू की थी, लेकिन बाद में उसे मुकम्मल जो है वो नासिर अदीब साहब ने किया। बाद में वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। नासिर अदीब साहब के साथ लिखने का फैसला दुरुस्त था उनका?
बिल्कुल दुरुस्त था, आप देखें रिजल्ट से साफ जाहिर है। आगाज आपने किया उसका? एक्चुअली वो यार 7 साल पहले था और फिर उस वक्त प्रोड्यूसर भी कोई और था, वो प्रोड्यूसर भी नहीं रहा और फिर वो पूरी चेंज हुई एंड देन आई थिंक 2 साल बीच में वो बिल्कुल बिलाल अकेला करता रहा था, देन उसके बाद फिर नासिर अदीब साहब आए, मगर बाय द एंड ऑफ इट आई थिंक नासिर अदीब साहब जिन्होंने ओरिजिनल लिखी थी उनके साथ दोबारा लिखी और रिजल्ट ने साबित कर दिया कि फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। वासु भाई वैसे आपके कलम में वो ऑप्शंस हैं, वो इंटेंसिटी है कि जो द लेजेंड ऑफ मौला जट के डायलॉग्स में दरकार थी, यू नो मौलिया मैं तेरी पक्की पक्की मशूका टाइप के मौले नु मौला ना मारे या वो नवा आया सोनिया, मगर खैर वो आई थिंक मैंने तो कभी एक चीज ट्राई नहीं की तो आई कांट आंसर फॉर दैट, मगर जो उस फिल्म की रिक्वायर्ड थी वो आई थिंक पहले भी नासिर साहब ने क्रिएट की थी और जब उन्होंने दोबारा क्रिएट की तो हैट्स ऑफ टू हिम। एंड ऑफ कोर्स दिस वन जिसमें बिलाल अशारी का जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले है वो सारा बिलाल अशारी ने ही किया हुआ था, तो आई थिंक वो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त रहा। वासे जानी हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि लेजेंड ऑफ मौला जट में माखे का किरदार हम करते हैं, माँ कसम हम बिच्छुओं का डंग ऐसे निकालते जैसे 9 मई के बाद PTI का निकला है। लीचड़ कुमार मेरा मतलब है लेजेंड, लेजेंड कुमार तुम माखे जट का रोल नहीं कर सकते, फिर तुम्हें सिर्फ बिच्छू का रोल सूट करेगा और वो भी वो जिसका डंग सफेद हो चुका हो। ऐसे बुजुर्ग बिच्छू का जब जहर खत्म हो जाता है तो गालियां देके गुजारा करता है। वैसे आपसे एक बात कहूं मैं, जी आप जब बोलने लगते हैं तो उससे पहले एक मुझे कोई इशारा रख ले मेरे साथ, क्योंकि वो आप जब बोलते हैं ना तो एकदम वाइब्रेशन मुझे फील होती है, तो वो मैं थोड़ा सा एकदम दिल मुंह में आ जाता है कि मैं कहा मैं 2-3 बार मैंने लाइटें भी देखी ऊपर के, खुदा ना खास्ता कहीं कोई मुझे फील हो रही है या लोग भी कोई, मगर वैसे ही एक वो इशारा रख लेते हैं ना आपस में। अच्छा साहब आप ऐसे ही इफेंड हो रहे, ये मेरा क्रिएटिव टेम्परेचर है। वाह वाह वाह, मेरी पावे शुगर थल्ले आ जाए मेरा टेम्पर ऊपर रहे। अरे राजा मूली साहब भी तो तशरीफ फरमाए यार, उनको क्यों इग्नोर करते हैं आप लोग। वेलकम टू द शो सर। जी आपड़िया आपड़ तो तुसी गए हो लेकिन क्यों अपने आप? एक बड़े डायरेक्टर को अच्छे राइटर की महक खींच लाती है। वासु भाई ये मारूफ तमिल डायरेक्टर है राजा मूली साहब और ये टैलेंट की तलाश में अक्सर पब्लिक डिमांड का चक्कर लगाते हैं और आज आपकी खैर नहीं मुझे लगता है। बिछड़वा से आओ मेरे आज से पास है, मेरी फिल्म राजधानी बाहें खोलकर आपका इंतजार कर रही है। जो बाहें खोले इंतजार कर रही है वो आपकी फिल्म राजधानी है? वो मेरी पत्नी है, उसके पीछे मेरी फिल्म राजधानी। वैसे राजा मूली साहब आपका जॉनरा तो एपिक और एक्शन मूवीज नहीं होता? अपड़िया कॉमेडी बनाते हुए कौन सी मुझे मौत पड़ती है? ओके मिश्रवा से आज रात को मेरी फिल्म लिखनी शुरू कर दें, बाहुबली की पीपी आएगी भरा। क्या बात। वो जो बारात सीरीज थी ना वो वासे भाई की हिट सीरीज है, आपने तो मजाक बना लिया उसका यार। एक्चुअली बाहुबली की शादी प्रॉपर तरीके से रही हुई, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसकी शादी इस बार दिखाई जाए और मैं उसमें अपना आइटम सॉन्ग शूट कर लूं। इसको कहीं ले जाके शूट करो यार। कौन सा आइटम सॉन्ग है आपका? बारा मेरे बच्चे बुद्धी बक्की भी चिल्ला के मारे, महंगाई से मारी गई साली, सासे हाथी उते हाथ मारे, नोट 1000 लगे बकरे की खाली आई, महीने की तनखा से बिल पानी का दे के आए, बाजी चमेली सदियां दी बेली आटा चुरा के लाए। रक्षे की सवारी हूँ राजा, CNG से डरती हूँ मैं, कराए के पैसे नहीं पास मेरे, पैदल ही फिरती हूँ मैं, महंगाई के मारे हैं कंगले ये सारे हैं। इंडिया में राज कपूर साहब सोशल कल्ट बनाया करते थे और यश चोपड़ा साहब लव ट्रायंगल बनाते थे,
आपका नेचुरल पोटेंशियल क्या है? कॉमेडी है या मेलो ड्रामा है? मुझे खुद नहीं पता. Really? हाँ. Never explored? Explored क्या, कितना यार, अभी तक सिर्फ कॉमेडी में ज्यादा चांस मिला तो वो कर दिया. सीरियस में एक दो, एक फिल्म है, एक सीरियल है, बस वो लिखा. क्योंकि जिस तरह का मैं सीरियस लिखता हूँ वो, या लिखना चाहूंगा या चाहता हूँ, वो थोड़ा सा और है. Is it too dark? No, it's not dark, it's grey. Okay. Jackson IT था, वो grey था. जी, जी. वो यहाँ पे इतना हमारे यहाँ लिखा नहीं जाता. और मैं हूँ शाहिद अफरीदी, एक स्पोर्ट्स बायोपिक थी तो वो एक और टाइप की थी. उसके अलावा बस दो फिल्में थी, कॉमेडी ही है वो, तो वो कॉमेडी थी. बाकी ड्रामे वगैरह कॉमेडी निकले. और वैसे ही मुझे लगता है कि शायद एक्सप्लोर ही मैंने ये किया. आई वुड लाइक टू राइट अ पॉलिटिकल थ्रिलर. वो यहाँ पे है ही नहीं कॉन्सेप्ट. अच्छा नहीं मोहसिन, चौधरी वासे और चौधरी बुलंद बख्त एक पेज पर आ जाए तो वैसी चुदराहट कायम हो. कैसी? आदित्य चोपड़ा हमारी दहलीज पे हाथ बांधे यूं खड़ा हो जैसे बिलावल हाउस पे नून लीग. भाई बहुत बढ़िया. वासे चौधरी, तुम इस दो टके के चौधरी के लिए फिल्म लिखो कि काश मैं तेरा बाप ना होता. और न्यौले के फर्स्ट कजन, और नशा बढ़ता है चौधरी जो चौधरी से मिले. वाह रे वाह. मैं और वासे चौधरी बॉक्स ऑफिस के बिल गेट्स और अलोन मिक्स साबित हो. क्या कहेंगे चौधरी साहब, मिक्स को जानते हैं आप? जी, हम मिक्स हो चुके हैं दोनों. हम इस तरह से मिल चुके हैं जैसे सुगंध और सुमन मिल जाते हैं. आए हाय हाय, ये कौन है? ये फिल्मी और इल्मी तरकीब है चौधरी साहब. ओए वासे चौधरी तो हकीकी चौधरी हैं जनाब, और तुमने निदा चौधरी से चुदराहट मुस्तार ली है. निदा चौधरी तो मेरी अतालीक है. ले अतालीक. मैं उनसे ऑनलाइन पॉलिटिकल इकोनॉमी भी पढ़ता हूँ और वो स्टेप भी सीखता हूँ जिनको देखकर तमाशबीन 5,000 के नोट निकाल लेते हैं. चौधरी टांगे, तुम्हारे तरक्की पसंद ख्यालात और ऑनलाइन क्लासेस पर सत्तों चुल्लों की सुवा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. और मैंने अपने जरे मुबादले इसी तरह बढ़ाए हैं. यानी अगर यूं ही तुम्हारी आमदनी बढ़ती रही ना तो एक दिन तुम टाटा कंपनी को भी पीछे छोड़ जाओगे. वाह. टाटा कंपनी को तो मैं उसी दिन बिछाड़ दूंगा जिस दिन मेगा स्टार महक मलिक के साथ मेरा MOU साइन हो गया. गौर फरमाया आपने. जी जी. दुनिया में MOU साइन होता है, चौधरी का MOU साइन होता है. और हमारी रियासतों में MOU यूं ही साइन होता है. वासे भाई, इंडिया और पाकिस्तान के जॉइंट वेंचर देखने में आते हैं लेकिन उनको सेंसर की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे, है ना? आपके इल्म में भी होगा, अभी रिसेंटली भी हुआ इमरान अब्बास साहब की फिल्म के साथ भी. तो इससे मेहनत भी जाया होती है, पैसा भी जाया होता है. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या इस सब के लिए हमें फिर से उस अनदेखे वक्त का इंतजार करना होगा कि जब हालात और ताल्लुकात ठीक होंगे हमारे? वो तो आपको हमेशा करना होता है ना कि हालात और ताल्लुकात ठीक हो, मगर हर बार ऐसा नहीं है कि सेंसर की सर्टिफिकेट नहीं जारी होते, वो जारी हो जाते हैं फिर वो उसके बाद बंद हो जाती हैं. चौधरी यानी हमारा भी एक सवाल है. 150 का सवाल मत कीजिएगा. उनके पास टूटे नहीं, वो हम साइड में करते हैं. हमारा सवाल ये है कि डोले की आएगी बारात, तागे की आएगी बारात, ऐनी की आएगी बारात, आप राइटर हैं या आपका कैटरिंग का कारोबार है? नहीं, अब नहीं है. पहले होता था, जिस जमाने में करता था, अब चेंज कर लिए क्योंकि बहुत उसमें खर्चे, प्लेटें वगैरह टूटती थी. लोग चमचे वमचे लेके चले जाते थे घर. ये तो हमें भी आज मालूम हुआ. तो इसलिए इस कारोबार में थोड़ा मसला ज्यादा रहता था. हमने कहा कि टेंट वेंट का काम करें वो बेहतर रहेगा. पीछे अब तो जो स्टेज होता है उस पर फूलों वूलों के अंदर बहुत मार्जिन है तो वो ज्यादा बेहतर रहता है. ये प्लेट चमचा उठा के ले जाना, आपको पता है हमारे लोगों का. तो फिर हमने छोड़ दी केटरिंग वाली. नॉन प्रॉफिटेबल ख्वाजा सरा और चौधरी वासे और मेरा MOU साइन हो गया अब तो केटरिंग तो क्या, हम बरातों को चौधरी बैंड भी मुहैया करके देंगे और ख्वाजा सरा भी हमारे बैनर के होंगे. वो तो आप खुद भी कर लेंगे चौधरी साहब. और फिर करण जौहर की तरह तुम पर भी नेपोटिज्म का इल्जाम लगेगा. आई डोंट केयर. मैंने सेलुलाइट पे इनकलाब बर्पा करना है. हमें खानदान मरवाना पाए. डोंट वरी, फैमिली की तो मैंने सस्ती इंश्योरेंस करवाई हुई है. वो चाहता है मर जाए. वासे भाई,
क्लासिकल सिंगर्स को या राग रंग गाने वालों को अक्सर कहते सुना है कि उनकी यहाँ पे कदर नहीं हुई उनको, जबकि पड़ोसी मुल्क से, भारत से या कहीं और से शहरियत तक ऑफर हो जाती है। कपिल शर्मा को हमने कॉमेडी सिखाई, ये वो वाले जो मफरूजे हैं ना, ये पुराने, ये प्लीज इनको छोड़ दें। वो हाँ। एक जमाने में वो जो क्लासिकल जमाना था, जिस जमाने में ये हुई होगी, जिनको हुई होगी वो और थे बिल्कुल। अब सिंगिंग हो गया, एक्टिंग होगी, डायरेक्शन होगी, राइटिंग होगी, हर चीज का ना बॉडी ऑफ वर्क का स्टाइल चेंज हो रहा है, पेस बदल गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अब इस चीज को क्लासिकल सिंगिंग जानना एक चीज है, मगर अब उतनी पसीराई क्यों नहीं मिल रही जो 70s में मिलती थी, तो ये टाइम ही वो नहीं रहा। अच्छा, मैं सवाल में थोड़ा सा और इंसर्शन कर दूं कि आपके दादा चौधरी ईद मोहम्मद साहब है ना, अंबाला से लाहौर आए, ही हैड अ सिनेमा इन अंबाला, यानी दादा मोहतरम जो हैं वो कयाम पाकिस्तान से पहले से सिनेमा के बिजनेस में थे। ओ परफेक्ट। तो आपने या आपके बड़ों ने कभी ये महसूस नहीं किया कि 1 अरब 40 करोड़ वाली मार्केट को छोड़कर एक ऐसी मार्केट में आ जाए जहां पे सालाना दर्जन फिल्में भी नहीं बनती? मेरा नहीं ख्याल कभी ये ख्याल उनके जहन में आया हो ऐसा। और जहां तक रही ये मार्केट की बात, तो मार्केट तो हमारी बड़ी थी, वो अब जाके थोड़ी कंडेंस हो गई एक वक्त और हालात की वजह से, मगर ये ख्याल तो कभी भी नहीं आया। और उस टाइम पे अपने एक वो जहां एक मेजॉरिटी डिसीजन था, मुस्लिम्स ऑफ द इंडिया आ रहे थे तो वो भी आए और आई थिंक दे वर वेरी हैप्पी। और एक्चुअली में इस खत्ते में आके इतनी प्रोमिनेंस मिल गई। वासे भाई, जो आपका माशाल्लाह से बॉडी ऑफ वर्क है उसको अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ कि लेट्स से ये हिजरत जो है इसमें आप भारत में होते और करण जौहर साहब यहाँ होते तो क्या क्या मनाजर देखने को मिलते हैं? अगर करण जौहर यहाँ पे होते तो फिर मैं कॉफी विद करण कर रहा होता। हाँ, फिर आप गपशप ना कर रहे होते। और वो गपशप कर रहा होता, करण जौहर गपशप कर रहा होता। यही हो रहा था बस। चारी मत है ना, चौधरी जहाँ भी रहे राज करते हैं। चौधरी रणबीर कपूर, चौधरी बेबो, चौधरी लोलो है जी, चौधरी नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तो और चौधरी संजू बाबा। चौधरी तुम टाइम से दवाई लिया करो, ठीक हो जाओगे। चौधरी दीपिका पेडाकोन और चौधरी आलिया भट्ट और चौधरी जवेद अख्तर और चौधरी नूरा फातही। आहा, जेड़ा नशा नशा तेरी अखा मैनू बड़ा ना लखा विच आवे मैनू दिल दे नेड़े चौधरी चौधरी नेड़े रेंदी तू मेरे दिल बस जावे तेनू जेड़ा नशा नशा तेरी अखा विच आवे मैनू। ओ ठहरो ठहरो ठहरो, क्या हुआ? ओ लेजेंड कुमार, चौधरी साहब का मूड बढ़िया ही। सर मेरा मूड फौत हो गया। All right, ladies and gentlemen, keep watching Public Demand. Welcome back to Public Demand. वासे भाई, अब ऑडियंस यानी आपके फैंस आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी प्लीज। वासे भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी फिल्म थी जवानी फिर नहीं आनी, ये आपके लिए आप फिल्म थी या किसी बुजुर्ग का मशवरा था? नहीं, ये जिंदगी का सबक था। बहुत से एक आंसू में कह दिया गमे दिल किस कदर मैंने इख्तसार की। हाँ, बहुत से। सही बात है, जवानी जब जाती है फिर मुड़ के नहीं आती, फिर ऐसे ही आती है। ये कौन है बैठ दी चदर? आपने कुछ कहा? मैंने कहा ये कौन है शेर का कंबल। अच्छा, ये आपने मजीद बेहतर किया था। बैठ दी चदर तो देखो इम्प्रोवाइज किया मजीद। आई अप्रिशिएट। जी अस्सलाम वालेकुम वासी भाई। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बड़े आपसे से आप कोई फिल्म नहीं लिख रहे, प्रोड्यूसर नहीं मिल रहे या कागज नहीं मिल रहे? अच्छा, ये सवाल। एक्चुअली आई थिंक एक तो पहले तो कोविड आ गया था, उसकी वजह से 2-3 साल उसमें निकल गए, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स भी साथ उसके निकल गए। तो कुछ अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी, आई होप कि कुछ हो जाए ऐसा। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, आपके बाद मुजाकरा शो इमरान अशरफ साहब कर रहे हैं, क्या वो शो बेहतरीन कर रहे हैं? न्यूट्रल राय देनी है। मैंने देखा नहीं है यार कोई शो पूरा, तो मैं इसलिए राय दे नहीं पाऊंगा ज्यादा। मैंने कुछ पोर्शन में एक आध बार देखा था, फिर एक आध बार और देखा था, मगर वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ शो है, वो वाला मुजाकरात नहीं है जो मैं करता था। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। इतने साल आपने वासे भाई के साथ काम किया लेकिन इन्होंने अपनी किसी फिल्म में आपको नहीं लिया, इसकी क्या वजह है बताओ?
क्योंकि वासी भाई बुजुर्ग हीरोज के साथ काम करना पसंद करते हैं। देखो नहीं, इसका जवाब हम देंगे। जी जी, फिर डीजे कौन बजाता? नहीं नहीं, मगर वो वैसे फिल्में कर रहा था, उसने उस दरमियान में 3 फिल्में की। अच्छा जी जी, मेरा इल्जाम लगा रहा है ये। नहीं नहीं, वो एक्चुअली में क्योंकि वो एक और टाइप की फिल्में कर रहे थे, एक और कैरेक्टर उस तरह कर रहे थे। मेरे कैरेक्टर फिल्म में कुछ 2 तो सीक्वल ही थे। हाँ जी। तो वो जब सीक्वल में एक ही जो बना है वही सीक्वल में दोबारा लोग भी वही थे, जिस तरह इन्होंने नाम मालूम की तो उसके अंदर यही लोग दोबारा थे, तो ये भी एक वजह मेरे ख्याल से ठहरी। बाकी इन्होंने मेरे से ज्यादा बहुत फिल्में की हुई है, इन्होंने मुझे कभी चांस नहीं दिया। वासे भाई, आप अपने मेहमानों के साथ खेलते हैं T20, जी हम जी। आपके साथ खेलेंगे T10। ओके। बेस्ट डायरेक्टर, बिलाल लाशारी, नदीम बेग? नदीम बेग। शान या हुमायूं सईद? हुमायूं सईद। सुहेल अहमद साहब या फिर बुमन ईरानी? सुहेल अहमद साहब एनी डे। आयजा खान साहब या फिर मायरा खान साहब? आयजा खान। आयजा खान। सज्जल अली या आलिया भट्ट? सज्जल अली। सबा कमर या विद्या बालन? सबा कमर। फेवरेट कंपोजर एंड सिंगर, अहमद जहांजेब या साहिर अली बग्गा? कोई तीसरी ऑप्शन भी हो? अच्छा, दोनों में से कोई नहीं? नहीं, मतलब मैं सोचना चाह रहा हूँ कि कोई और अगर। ओके, अहमद जहांजेब, साहिर अली बग्गा या शानी अरशद? शानी अरशद। तीसरी ऑप्शन में? अच्छा ओके, आप पहले देते हो, मैं पहले देता ना। बेहतरीन कोरियोग्राफी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया या जेड़ा नशा तेरी अखा में चावे मैनू? यार ये दोनों मैंने नहीं देखे हुए। ये है और तेरा नशा का स्टेप नहीं याद मुझे। बहुत आपने जबरदस्त बताया मुझे, मुझे सब समझ आ गया। बुल्ले शाह का थैया थैया या शाह हुसैन का रब्बा मेरे हाल दा महरम तू? रब्बा मेरे हाल दा महरम महरम तू। रॉबिन घोष साहब का तेरे भीगे बदन की खुशबू से या आर डी बर्मन साहब का रिम झिम गिरे सा? रिम झिम गिरे। वासे भाई, अब मैं कुछ गीत छेड़ूंगा, आपने उनको करना है अंग्रेजी में ट्रांसलेट, ठीक है? और हेल्पलाइन के तौर पर और लाइफ लाइन के तौर पर हमारे पास है ये, आप वैसे अपने शो वाली लाइफ जैकेट भी पहन सकते हैं। पहला गीत है, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। I fell in love with the goddess of beauty. Oh, आ जाओ इधर, आ जाओ। इन्होंने तो परफेक्ट बता दिया, अब आप क्या करेंगे? इन्होंने की है पैरेलल इंग्लिश, मैं करूंगा कमर्शियल इंग्लिश। जी जी जरूर। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। Once fall in love skeleton of beauty. Skeleton of beauty. देवी का स्केलेटन से क्या ताल्लुक है? मर गई है। Yes. अब देवी मर क्यों गई है? देवी की बात है, गुलाब देवी, आई नो हर। गुलाब देवी, जान की देवी, गुलाब देवी। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। बिल्कुल, माई हार्ट गॉट अरेस्टेड बिकॉज ऑफ अर लव और इन हर लव। नो नो नो, माई हार्ट वॉज अरेस्टेड बाय द सोल्जर्स ऑफ लव। परसों एक अंग्रेज आया था, वापसी में बंगाली बोलता हुआ गया इनके पास। बनता भी था इसके बाद तो। नेक्स्ट वन इज, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। स्टे फॉर अ लिटिल बिट एंड यूज द रेन एज एन एक्सक्यूज। बहुत आला, बहुत आला जी। स्टिक हेयर फॉर अ मोमेंट। स्टिक हेयर, स्टिक हेयर, ओके, स्टिक फॉर अ मोमेंट बिकॉज ऑफ रेनी सीजन। ओह, रेनी सीजन। स्टिक हेयर फॉर अ बिट बिकॉज ऑफ रेनी सीजन। अच्छा, कर लेंगे चार बातें इस बात के बहाने। We'll talk a little because of this excuse. Oh no. Oh no. Okay. Of course. Yeah. Of course. आप बताइए. We'll do 4 sentences. यार नहीं. Okay. We'll do 4 sentences because of this rainy season. क्योंकि बाहर चिकड़े मड्डी मड्डी पड़ रही है. Okay. वासे भाई, अगला गीत है. जी. लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। The letters that I wrote for you became a memory of 1000 visuals. वाह वाह वाह, अंग्रेजी में भी उतना अच्छा लग रहा है। आप बिगाड़े अब इसको। जी सर, नहीं मैं बिगाड़ूंगा। नहीं नहीं, आप बताएं। अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। लिखे जो खत तुझे। Yes. The letter I send you. अच्छा, यानी लिखे नहीं पहले पे ही तेरे। वो तेरी याद में हजारों रंग के। Yes, in the thought of you. Okay. In the thought of you, हजारों रंग के। Thousand of color scheme. Color scheme. नजारे बन गए। Scenes become. Scenes become. Thousands of color scheme scenes become. Best of them. Yes. Okay, अगला गीत है भाई जवानों। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आए रुत मस्तानी कब आएगी तू? बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू?
चलिया तू चलिया। प्लीज प्लीज आप ही करें, मैं तो आपको सही करूंगा ना। नहीं नहीं मैं आपके करने से पहले ही गलत हूँ। मेरे सपनों की रानी। When you will come queen of my mind thinking queen, not dreams, mind thinking. I रुत मस्तानी कब आएगी तू? हो that's come very romantic drilling. मैंने कहा drilling. रुत मस्तानी is drilling. Drizzling, sorry. Drizzling in my heart, drizzling. In my heart, drizzling. Yes. कब आएगी तू? When you will come? My queen of mind thoughts. Yes. बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू? My life is going to death. My life is going to death. बीती जाए, going. बीती जाए, ठीक है, बीती जाए. बीत गई. Death. Please continue, come. कुछ लेके जाएंगे आज आप। मैं इतना कुछ लेके जा रहा हूँ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? What the hell is your? अभी अभी उन्हीं की तरह बताने लगे। What the hell are you doing in my house? In my house? What the hell are you doing in my house? Okay. मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? Yes, why not? Yes. What is your work in my unconstructed house? Angna ki English. What is your work in my unconstructed house? Angna. Angna. Okay. Angna, of course. ठीक है. Angna. छतिया नहीं ना ले. Yes, it's unconstructed house. जो है नाम वाला वही तो बदनाम है. Who has finding his name? Finding his name. Okay. Who है? वो ही तो बदनाम है। He is in bad senses. Very good. जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है। Whose wife is black, he is also world fame. World fame. World fame for world fame. सबसे करीब तरीन की आपने की है ट्रांसलेशन। आंखों में बसा लो, सुरभि का क्या काम है? Enter in your eyes. Enter in your eyes. There is no work of black powder. ब्लैक पाउडर शर्मा, क्या बात है। आ जाओ। जिसकी बीवी छोटी, हाय हाय, अरे जिसकी बीवी छोटी छोटी नाटी नाटी छोटी छोटी नाटी नाटी छोटी छोटी नाटी और नाटी नाटी छोटी और छोटी छोटी ही नाटी नाटी छोटी छोटी नाटी नाटी छोटी 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 जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है और जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है गोद में उठा लो अरे गोद में उठा लो बच्चे का क्या काम है अरे गोद में उठा लो बच्चे का क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बातों में टाइम कहीं नहीं पता लगा। और आपका भी मोहसिन बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, तो बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड योर होल टीम ऑफ पब्लिक डिमांड और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप जारी और सारी रहें और कामयाबियां बटोरते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। जाते जाते बस एक एक जुमले की मार हैं हम सारे। हैप्पी रोस्टिंग हमारा आखिरी सेगमेंट है, इसके अलावा हम सबको रोस्ट करते हैं। ये ऑलरेडी है। जवाब वसीम साहब को देख के कोई जो पहला जुमला आता है ना वो उतार करते हैं बस हमें। यार मैं रोस्टिंग वैसे मैं नहीं कर पाता इस तरह, और जवाब साहब की वैसे मैं क्योंकि इतनी इज्जत करता हूँ okay. कि आप यकीन करें कि मैं सबसे ज्यादा जो एंजॉय कर रहा था वही कर रहा था कि कर क्या रहे हैं। और शकील भाई भी, और मैं आपको शकील भाई सिर्फ एक बात बताऊं प्लीज। शकील भाई आपकी एक लाइन थी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है पता नहीं पहले पत्तों की फिर साहिवाल आता है, ये आपने मुंडा बिगड़ा जाए फिल्म के अंदर बोली थी। हाँ। वो मेरी पहली मेमोरी है
शकील साहब और वो मेरे जहन में आज तक है और ये मैंने उसके बाद कहीं उसके कोई 20 साल बाद अपने ड्रामों में बहुत दफा यूज की। अच्छा, मैं सिटकॉम्स में करता था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है पहले पतों की फिर साई वाला। बिल्कुल ये पहली दफा तू अब तक बस रही थी चमारों में। ये मुझे अभी तक याद है अल्लाह जनसी कुरे स्माइल तारा साहब और आप थे उस सीन के अंदर। चलेगा मेरे लिए दुआ करना। नहीं मगर मुझे इसलिए याद है अभी तक। और मोहसिन भाई आप तो माशाल्लाह हैं ही, आपसे बड़े 5-6 बाद मुलाकात हुई और जैसा मैंने कहा था कि आप लग भी वैसे ही रहे हैं माशाल्लाह। वो आपको पता आप कैसे करते हैं, हमसे तो नहीं हो पाता। और आपका स्किल सेट और आपकी एनर्जी भी वहीं की वहीं बैठी हुई है माशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम सामान जो आपका वहीं का वहीं है ये वहीं का वहीं रहे और इसी तरह कामयाबी आपके कदम चूमे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।